भगवान का नाम कभी भी ले लो, कहीं भी ले लो। भाव कुभाव अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिशि दसहू। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, नाम जपने का अभ्यास बनाओ, काम करते हुए भगवान का नाम जपते रहा करो। नाम किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए, नाम ही हम सबका सहारा है। पहले नाम को ही पकड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति बोला, महाराज जी नाम जपने से क्या होगा? हमने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अखिल है। मैंने कहा ठीक है जा। जब वो घर गया तो रात के 12 बजे उसके घर पर हम गए और चिल्लाए, हमने आवाज लगाई बाहर से, भैया अखिल अखिल। एक बार में नहीं सुना, दो बार में नहीं सुना, तीसरी बार में नहीं सुना, चौथी बार में हम बोलते गए। अंत में दरवाजा खोल के आया, बोले क्या बात है? हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो नाम ले रहे हैं। अरे आप हमारा नाम बोल रहे हैं? हमने कहा तेरा नाम थोड़ी अखिल है, बहुत लोगों का नाम अखिल है, अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे भगवान का नाम है। अरे आप बुला रहे हैं हमें? हमने कहा पगले, जब तेरा नाम बोलने से तू मेरे सामने आ गया सामान्य इंसान, तो भगवान का नाम कोई भक्त प्रेम से पुकारे तो क्या भगवान नहीं आएंगे? क्या भगवान बहरे हैं? अरे भगवान बिनु पग चले ही सुन ही बिनु काना, सहस्त्र शीर्षा पुरुखा, सहस्त्र अक्षा, सहस्त्र पात। भगवान के एक नहीं हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं, चीटी भी अपने पांव में घुंघरू बांध के नाचे तो परमात्मा को सुनाई पड़ जाता है कि कोई चीटी मुझे पुकार रही है। ये भगवान है, ये भगवत दर्शन है। इसलिए आप सभी किसी भी हाल में भगवान का नाम ना छोड़ा करो, भाव से जपा करो, प्रेम से जपा करो। नाम सदा मंगल ही करता है, कल्याण ही करता है। पहले नाम जपो, फिर धीरे धीरे जिसका नाम जप रहे हो उनसे धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। जैसे आप जप रहे हो राधा कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण, तो पहले कृष्ण कृष्ण जपो, बाद में क्या होगा? हाँ, पहले नाम जपो सामान्य, राम राम जपो, फिर धीरे धीरे क्या होगा? जिनका नाम है राम से धीरे धीरे जनाम जपते जपते उन राम से प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा राम से? राम से क्या होगा? देखो शुरुआत तो नाम से ही होगी ना। अच्छा आप किसी से दोस्ती करेंगे तो उसका नाम पूछेंगे कि नहीं? हाँ या ना? पहले नाम पूछेंगे, फिर बातचीत करते करते ही आगे बातें होती हैं। बस इसी तरह शुरुआत नाम से। केवल नाम, काम करते हुए नाम जपते रहो। नाम कभी भी ना छूटे, किसी भी हाल में ना छूटे, इस बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। इसलिए नाम है। कब तक नाम जपें? बोले जब तक भगवान सुन ना ले तब तक नाम को जपते, काम करते रहो नाम जपते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी बूढ़ी माँ का सहारा बनने के लिए आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुंदर तालियों के साथ स्वागत। यहाँ वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं, गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, वृद्ध माताएं, उन माओ के लिए आप सहयोग करने आए हैं। भगवान आपने इन माओ का सहयोग किया है, भगवान आपका सहयोग करें। जब आप धर्म के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं, दो हाथ आप बढ़ाते हैं, तो आपके लिए भगवान हजारों हाथ बढ़ा देते हैं। याद आवेगी उसको
कभी ना कभी मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम धीरे धीरे जपो, धीरे धीरे। कैसे नाम जपना है? पहले नाम जिह्वा से जपना है। बोलो राम, बोलो राम, राम सीताराम, सीताराम। अब इसी नाम को हृदय से बोलो। अब आपकी जिह्वा ना हिले, होंठ ना हिले, और आप बोलो सीताराम। बोलो, बोलना नहीं है, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। आप महसूस कीजिए आपके हृदय में, हृदय की धड़कन के साथ एक नाम चलेगा, सीताराम सीताराम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आपकी जिह्वा ना हिले और बस नाम चलता रहे, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये हृदय से जाप है। इस जाप को आप करेंगे तो बहुत जल्दी जनाबाई के ओपलों से विठल विठल की ध्वनि निकलती थी। भक्ति मती जनाबाई ओपले बनाती थी, कंडे थापती थी, तो उसके ओपलों से विठल विठल की ध्वनि। जो भक्त हृदय से नाम जपता है और हृदय के बाद नाभि से नाम जपता है तो रोम रोम से नाम निकलता है। वो किसी वस्तु को टच कर दे तो उससे भगवान का नाम निकलने लग जाता है। ये प्रभाव भजन का। कोई संत भजन करने वाला इसलिए गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। आपके सिर पर गुरुजन हाथ रख देते हैं तो गुरुजनों की भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर जाती है और आप भी भक्त बन जाते हैं। ये भजन का प्रभाव है, भजन का प्रभाव है। प्रिय भक्तों, अजामिल जैसे पापी ने मरते समय नारायण का नाम लिया। पार्षद गण आए, यमदूतों से कहा जाओ ये तो मरते समय नाम लिया है, इसकी सदगति होगी। यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं पुत्र का नाम लिया है। बोले पुत्र का नाम तो इसका नाम नारायण अभी से पड़ा है, भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए इसका उद्धार होकर रहेगा। यमदूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है, इसे नरक ले जाएंगे। पार्षदों ने कहा जीवन भर पाप किया है ये तो सत्य है, पर मरते समय भगवान का नाम जिसके मुख से निकल जाता है, भगवान ने वचन दे रखा है कि मरते समय किसी के मुख में गंगा जल होगा या तुलसी का दल होगा या मेरा नाम होगा, इन तीनों में कोई एक चीज होगी तो मैं उसे कभी नर्क नहीं जाने दूंगा। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का विनाश नहीं होने दूंगा, पतन नहीं होने दूंगा। इसलिए कहता हूं गंगा जल रोज पिया करो, थोड़ा दो चार बूंद ही सही, तुलसी का एक पत्ता रोज मुख पे रखा करो और भगवान का नाम रोज काम करते हुए सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। काम करते हुए नाम ना विसारिए, बस काम करते रहो और कृष्ण कृष्ण नारायण जय श्रीमन नारायण ना। जो आपके गुरु जी ने मंत्र दिया है उसका हृदय में जाप चलता रहे। इसलिए गुरु जी से गुरु मंत्र प्राप्त करो और गुरु मंत्र भी परंपरागत मंत्र हो। वो मंत्र फिर आप गुरु परंपरा से लोगे और उसका जाप करोगे तो काम करते रहो और अपना नाम गुरु परंपरा का नाम जो गुरु मंत्र है आपका जाप करते रहो। गुरु के बिना गति नहीं है। आपने गुरु नहीं बनाए और मनमाना मंत्र जपा, पुस्तक में लिखा हुआ मंत्र आप जप रहे हैं तो देखो पुस्तक में लिखा हुआ मंत्र जपने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होने वाली। मंत्र वही रहेगा पर जब तक गुरु अपने मुख से आपके कानों में ना प्रवेश कराए, जब तक वो गुरु से ना जुड़े तब तक उस मंत्र का कोई प्रभाव ही नहीं। वो मंत्र निष्फल है जो गुरु के बिना आप मन
कुछ लोग होते हैं मनमाना जपते रहते, जो मन में आया जप रहे हैं। अरे काहे जप रहे हो? गुरु परंपरा से मंत्र प्राप्त करो और उस मंत्र का जाप करो, वो मंत्र सिद्ध होगा। ऑलरेडी गुरु ने सिद्ध किया है, जब जप कर फिर आप उसे सिद्ध करो। वह मंत्र जब सिद्ध मंत्र प्राप्त होगा और आप जपोगे तो अपने आप जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपका जीवन सारे दुखों से जंजाल से निकलकर अपने आप आनंद का अनुभव करोगे। पर मंत्र परंपरागत हो, लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम बंदे गुरु परंपराम। देखिए हमारी क्या है, बंदे गुरु परंपराम, हमारी परंपरा है, परंपरागत मंत्र है हमारा। आप अपनी परंपरा से जुड़िएगा, आचार्य परंपरागत आचार्य, इसलिए हमारे आचार्य परंपरा है। हमारे यहां चार परंपराएं हैं हमारे भारत में, चार परंपराओं में किसी एक परंपरा से जुड़िएगा। हमारी परंपरा है रामानुजाचार्य परंपरा, वल्लभाचार्य जी की अपनी परंपरा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की परंपरा। हमारे भारत में वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, हाँ निम्बार्काचार्य भी हुए हैं, और निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जी, ऐसे आचार्य हैं हमारे। इनके बाद फिर और परंपराएं बनती गईं, रामानुजाचार्य से फिर रामानंदाचार्य परंपरा प्रकट हुई। ये परंपराएं चलती गईं, मतलब आप कहीं भी रहें परंपराओं से जुड़े रहें, गुरु परंपराओं से जुड़ेंगे, उस मंत्र को प्राप्त करेंगे, उस मंत्र का जाप करेंगे। शंकराचार्य जी की परंपरा है, आद्य शंकराचार्य परंपरा, आचार्य परंपरा, वो भी परंपरा है, आद्य शंकराचार्य जी की परंपरा। तो ये परंपराएं, इन परंपराओं से जुड़ करके जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका मंत्र फलीभूत होता है। आपके आज लोग बहुत सारे मंत्र तो जप रहे हैं परंतु उनका कोई प्रभाव नजर नहीं आता, क्योंकि आपका मंत्र अभी गुरु परंपरा से, अभी आप मनमुखी हैं, अभी गुरु मुख नहीं भय। जब तक व्यक्ति मनमुखी होता है, अच्छा एक बात बताओ, जो आप मनमुखी जप रहे हैं वो मंत्र जैसा है मंत्र नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी में, लकड़ी की एक गाय बना दो और लकड़ी का बछड़ा बना दो तो आप देखने में क्या लगेगा, ये क्या है बोलो, गाय ही तो कहोगे, भाई गाय है, ये गाय है, ये बछड़ा है। अच्छा गाय है तो दूध दोहलो, गाय व्यवहार जगत में तो यही कहा जाएगा ये गाय है, पर वो असली गाय नहीं है, लकड़ी की गाय है, मिट्टी की गाय है, पीतल की गाय है, चांदी की गाय है। गाय तो है, बछड़ा तो है, पर इससे दूध नहीं दुहा जा सकता, असली गाय अलग है, ये असली गाय जैसी है, ये असली गाय नहीं है, ये असली गाय। उसी प्रकार तुम्हारा जो मंत्र मनमुखी जप रहे हो वो मंत्र जैसा है पर मंत्र नहीं है, मंत्र तो वही है जो गुरु से प्राप्त होता है, वही मंत्र प्रभावशाली होता है, इसलिए गुरु परंपरा आवश्यक है। इसलिए शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं गुरुजी हमें गुरु बनाने की, कई लोग कहते हैं हमें हमने शंकर जी को गुरु बना लिया, कई लोग कहते हैं हमने हनुमान जी को गुरु बना लिया, तो फिर राम जी को क्या जरूरत थी वशिष्ठ जी को गुरु बनाने की, क्या जरूरत थी फिर हनुमान जी को, सूर्य भगवान को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी? गुरु परंपरा यदि धरती पे आए हो तो गुरु है, गुरु की जरूरत है इसलिए तो गुरु है, यदि जरूरत ना होती तो फिर गुरु होते ही क्यों? इसलिए परंपरा का मंत्र, आज अजामिल ने जो नारायण मंत्र जपा है ये भी परंपरा। इनके घर कोई साधु आए थे, उन साधु ने कहा बेटा नारायण जप, अजामिल बोला नहीं जपूंगा, तो चल बोल अपने बेटे का नाम नारायण रख दे बस। लो गुरु ने कह दिया कि बेटे का नाम नारायण रख दो, बस
उस मंत्र का जाप कर लिया उसने, चूंकि इनडायरेक्ट गुरु की कृपा हो गई, गुरु जी ने नाम दे दिया नारायण। उस मंत्र का जाप किया, भले बेटे को बुला रहा है पर वो मंत्र का जाप, और जितनी बार नारायण बोला उतना जाप हुआ, और जब गुरु परंपरा से जुड़ा तो उस मंत्र ने उसका कल्याण कर दिया, वही मंत्र उसको नरक जाने से बचा लिया, एक नाम। इसलिए नाम जप परंपरागत होना चाहिए।